आप सभी का स्वागत है ई आज प्रशिक्षण में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्रा जितने भी अलग अलग कोर्सेज में होते हैं तो साल बीतने के साथ ही आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के इंतजार कई सारे छात्र छात्राओं के खत्म हुए तो कई सारे छात्र छात्राओं के इंतजार जो के त्यों बने हुए हैं। और यहाँ पे इसी को लेकर बातें करने वाले हैं कि जिनको अभी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिला है, और खासतौर पे ये वीडियो केवल जो लास्ट ईयर के छात्र छात्र यानी कि जो 2022-23 के छात्र छात्र हैं और जिनका पास आउट 2022 में हो चुका है उनके लिए वीडियो देखना है। बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र छात्र हैं तो आप लोगों के लिए ये जो इंतजार है अभी थोड़ा और लंबा होगा, क्योंकि जब आप लास्ट ईयर में आएंगे तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो वितरण करवाया जा रहा है, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद दिवस सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जहां पर सरकार की ओर से भी जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि तकरीबन मार्च तक 40 लाख विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, जो वितरण है वो करवाया जाए और जल्द से जल्द जो वितरण है वो करवाया जाए। शासन आदेश भी जारी किया गया, इसके साथ ही यूपी डिस्को की ओर से भी जो नोटिस है वो जारी किया गया। तो जो भी सारे अपडेट थे वो हमने आपको टाइम टू टाइम बताए थे। और यहाँ पर अगर आप लोग ये सारे न्यूज़पेपर देखे जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और से संबंधित कॉलेज के लिए ही जारी किया गया, जहाँ पे जो वितरण है वो करवाया जा रहा है, जहाँ पे वितरण करवाए जाएंगे और जहाँ पे जो डेट है वो जनवरी में जारी किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो महाविद्यालय है जहाँ पे 5 जनवरी को वितरण करवाया जाएगा, जहाँ पे जो उनके वहाँ के विधायक हैं, नोडल अधिकारी हैं, वो उपस्थित होंगे। और उनकी मौजूदगी में जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज है, बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय, यहाँ पे जितने भी 2021-22 के पास आउट छात्र छात्राएं हैं जो कि बीए लास्ट ईयर में है, तो सभी को 5 जनवरी को वितरण करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग इस कॉलेज से हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर और जो न्यूज़पेपर देखे जहाँ पर जानकारी दिया गया है कि जितने भी बौद्ध बालिका महाविद्यालय है वहाँ पे आज ही जो वितरण है वो करवाया जाएगा, यानी कि शुक्रवार को जो वितरण है वो करवाया जा रहा है, तो इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज में जो वितरण है वो करवाया जा रहा है। और केवल आपकी यूनिवर्सिटी की बात नहीं, आपसे संबंधित जितने भी आसपास के अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी देखा जाए, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में जो वितरण है वो इसी रफ्तार से और इतनी ही तेज़ी के साथ करवाए जाएंगे। अब पूरी तरीके से आपके कॉलेज के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, जितनी जल्दी वो अपने जिलाधिकारी की ओर से आदेश लेते हैं, जितने जल्दी वेयर हाउसेस से वो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन लेंगे उतने जल्दी आपके कॉलेज में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज में पहले वितरण होगा फिर इस कॉलेज में वितरण होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से आपके कॉलेज के ऊपर ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कॉलेज में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर कोई हलचल देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जितने भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज हैं तो एक बात हम आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दें कि अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो भी 2022 के पास आउट छात्र छात्राएं, लगभग सभी को खासतौर पे जब नवंबर और दिसंबर में जो वितरण करवाया गया उसमें सभी को तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ तकरीबन जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जनवरी के जो सेकेंड और थर्ड वीक है उसमें लगभग सभी को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ मिल जाएगा। और जो 2022-23 के छात्र छात्राएं, तो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर मार्च के जो फर्स्ट वीक है इसके बीच में आपको इस योजना का लाभ देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से अभी ये जो शेड्यूल है वो तय किया गया है कि आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो इंतजार है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो यहाँ पे अभी मेरे पास ये जानकारी निकल के सामने आए, बाकी जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको हमेशा टाइम टू टाइम और सही जानकारी देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।